हेलो डियर स्टूडेंट, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि रिप्रोडक्शन का ही क्या है, एक टाइप्स है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, कैसे होता है, चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर डेफिनेशन की बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो ध्यान दीजिएगा इधर कि व्हेन टू पेरेंट्स अपोजिट सेक्स, मतलब दोनों पेरेंट्स कैसे होने चाहिए, अपोजिट सेक्स के होने चाहिए, यानी एक मेल होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए। ठीक है, इसी का मतलब होगा अपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड ऑल्सो इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कोई दिक्कत तो समझिएगा, यहाँ पे सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों लोग पार्टिसिपेट करेंगे। कोई दिक्कत, यानी टू पेरेंट्स का क्या है, इसमें इन्वॉल्वमेंट है। कोई दिक्कत, और दोनों पेरेंट्स क्या होना चाहिए, अपोजिट सेक्स के होने चाहिए। दोनों आदमी क्या करेंगे, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे इस रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में, और दोनों क्या करेंगे, गैमेट बनाएंगे, और उस गैमेट का क्या होगा, यहाँ पे फ्यूजन होगा, यानी दोनों गैमेट क्या होगा, आपस में आकर क्या करेगा, फ्यूज करेगा, मिलेगा। और दोनों को मिलने के पास, जब दोनों मिलेगा, तो इसी सब प्रोसेस को कुल मिलाकर क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। कोई दिक्कत, ध्यान दीजिएगा डेफिनेशन कि व्हेन टू पेरेंट्स, दोनों क्या होना चाहिए, अपोजिट सेक्स होना चाहिए, पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड ऑल्सो इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कोई दिक्कत, देखिए यह एक स्लो प्रोसेस है। क्या होता है, यह एक स्लो प्रोसेस है, यानी इट इज ए स्लो प्रोसेस। कोई दिक्कत, यह एक स्लो प्रोसेस है। सेकेंड बात, यह एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कैसा है, यह एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और आप जानते हैं कि यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस भी है। कोई दिक्कत, बात समझ में आया इतना। अब देखिए एक्चुअल में होता क्या है। मान लीजिए सबसे पहले हम देखे हैं कि इसमें दो पेरेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेल और फीमेल। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम साइन बनाते हैं मेल की, और यहाँ पे साइन बनाते हैं हम फीमेल की। कोई दिक्कत, अब मेल है तो मेल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा कि नहीं होगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। अच्छा, कोई दिक्कत, ये फीमेल है तो इसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। कोई दिक्कत, मेल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा और फीमेल के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, मेल गैमेट्स बनेगा। गैमेट इज ए जस्ट टाइप ऑफ सेल्स, कोई दिक्कत, और फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। कोई दिक्कत, क्या होगा, फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। चलिए, अब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों के अंदर क्या होगा, फ्यूजन होगा। क्या होगा, फ्यूजन। इस मतलब यहाँ पे देख लेंगे कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसे, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। कोई दिक्कत, यानी मेल और फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूज करता है, आपस में मिलता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। कोई दिक्कत, अब देखिए फर्टिलाइजेशन के पश्चात यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा जाइगोट। क्या बनेगा, यहाँ पे जाइगोट बनेगा। और जाइगोट क्या होता है, हमेशा सिंगल सेल होता है। कैसे होता है जाइगोट, हमेशा कैसे होता है, सिंगल सेल का होता है। कोई दिक्कत, जब जाइगोट बनेगा तो इसके अंदर क्या डेवलपमेंट होगा, डेवलप हो क्या बना देगा, ये एम्ब्रियो बनाएगा, और यही एम्ब्रियो आगे चल क्या होता है, नए ऑफस्प्रिंग या नए इंडिविजुअल में चेंज हो जाता है। कोई दिक्कत, इतना बात समझ में आया। अब देखिए हम समझा रहे हैं यहाँ पे कि आपको सबसे पहले मेन डाउट कहाँ पे आ रहा होगा इसमें, तो यहाँ पे डाउट आ रहा होगा मेल गैमेट्स के पास में। मेल तो पता है, फीमेल तो आप सभी लोगों को पता है, लेकिन यहाँ पे आप सुन रहे होंगे गैमेट्स क्या है, यहाँ पे गैमेट्स क्या है। तो आइए देखते हैं गैमेट्स क्या है। देखिए गैमेट्स क्या है ना, कि एक टाइप का सेल है। क्या है, एक टाइप का गैमेट सेल है। तो समझते हैं यहाँ पे गैमेट्स क्या है। देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं हम गैमिट्स की बात कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं ह्यूमन बींग से। तो आपको पता होगा कि ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन के बॉडी के एक सेल में टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितना क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। जैसे अगर बात करें 46 क्रोमोसोम की, तो जैसे एक क्रोमोसोम है, दो है, तीन है, चार है, पाँच है, छः है। देखिए अब छः क्रोमोसोम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोई दिक्कत? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत? ऐसे 46 क्रोमोसोम होगा। कितना होगा? 46 होगा। और 46 अगर पेयरिंग करेंगे तो 23 का पेयर बनेगा। कितने का पेयर बनेगा? 23 का। देखिए क्या यहाँ पे 1 1 2 2 3 3, टोटल 6 क्रोमोसोम है या 3 पेयर क्रोमोसोम है। कितना है? 3 पेयर क्रोमोसोम है। तो जो हमारे बॉडी में जो क्रोमोसोम होता है ना, एक्चुअल में 23 पेयरिंग होता है। 46 बोल सकते हैं, लेकिन 23 अगर पेयर बोलते हैं तो वो और ज़्यादा सही रहेगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पे 1 1 जो है ना, ये दोनों क्रोमोसोम क्या है? सेम है। क्या है? दोनों क्रोमोसोम सेम है। अगर दोनों सेम है तो इसको बोलते हैं हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब ये एक नॉर्मल सेल के अंदर है, लेकिन यही सेल जब क्या होगा? गैमिट में कन्वर्ट होगा। क्या होगा? जब यही सेल क्या होगा? जब गैमिट में बनेगा, मतलब यही सेल अगर गैमिट बनाएगा या गैमिट में चेंज होगा, तो इसके अंदर जो 46 क्रोमोसोम है ना, इसके अंदर 23 क्रोमोसोम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 23। यानी जो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो अब इस 1 1 में से एक निकलेगा, आ जाएगा इसमें। फिर 2 2 में से एक 2 निकलेगा, आ जाएगा इसमें। फिर 3 3 में से एक निकलेगा, आ जाएगा इसमें। इसी प्रकार से 46 क्रोमोसोम है, 46 में से 23 क्रोमोसोम इसमें आ जाता है। सेम इसी प्रकार से फीमेल के अंदर भी होगा, उसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम होगा, और गैमेट फॉर्मेशन के दौरान क्या होगा? उसमें से आधा क्रोमोसोम निकल के आ जाएगा। बात समझ में आया? तो समझ में आ रहा है फीमेल गैमिट्स या मेल गैमिट्स क्या है। मेनली गैमिट्स में क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होता है। क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसमें हाफ हो जाता है। कोई दिक्कत? अब देखिए, अगर मान लेते हैं कि पूरा सिस्टम किसका है? ह्यूमन बींग्स का है। तो अब मेल के अंदर 23 क्रोमोसोम आया होगा मेल गैमिट्स में, और फीमेल गैमिट्स में 23 क्रोमोसोम आया होगा। जब 23 और 23 जब यहाँ पे जब फ्यूज करेगा, तो इस जाइगोट के अंदर 46 क्रोमोसोम मिल जाएगा, जो कि एक ह्यूमन का के एक सेल में इतना क्रोमोसोम होता है। तो अब ह्यूमन, अब इस जाइगोट में अगर 46 क्रोमोसोम अगर दिखाई दे रहा है, तो इसे हम समझें क्या है कि ये ह्यूमन का जाइगोट है। किसका जाइगोट है? ह्यूमन्स का जाइगोट है। बात समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताइएगा। देखिए, जो भी बात समझ में ना आ रहा हो ना, उसको मतलब आप लोग डाउट, मतलब कॉमेंट में आप उसको मेंशन जरूर कीजिएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब जनरली बात करते हैं मेल गैमिट्स की। तो मेल गैमिट्स अगर साइज की बात करें तो इसका साइज बहुत छोटा होता है। कैसे होता है? स्मॉलर साइज होता है। सेकेंड बात, ये कैसे होता है? मोटाइल होता है। कैसे होता है? मोटाइल होता है। कोई दिक्कत? अगर फीमेल गैमिट्स की बात करें तो इसका साइज हमेशा लार्जर होता है। कैसे होता है? लार्जर साइज होता है। और सेकेंड बात, कैसे होता है? सब नॉन मोटाइल होता है, यानी एक जहाँ रहेगा वहीं रहेगा। लेकिन ये क्या करता है? इसके बॉडी में क्या होता है? मूवमेंट होता है। जो मेल गैमेट्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं? समय के अनुसार मूव कर सकते हैं। अगर ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस के मेल गैमेट्स को क्या बोलते हैं हम लोग? स्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं। और फीमेल के अंदर जो अब प्लांट के अंदर जो मेल गैमेट्स होते हैं उसे क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन बोलते हैं। स्पर्म मूव करता है अपने टेल की वजह से। किसकी वजह से मूव करता है? टेल की वजह से मूव करता है। बात समझ में आया? आगे समझ में आ रहा है? चलिए आगे बात करते हैं इवेंट्स के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट होते हैं? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इवेंट होते हैं उसको मेनली 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। कोई दिक्कत? यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो इवेंट होते हैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। सबसे फर्स्ट जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं उसे? प्री फर्टिलाइजेशन बोल देंगे। प्री फर्टिलाइजेशन। कोई दिक्कत? सेकेंड वाले को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और सबसे जो लास्ट होता है उसे बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब देखिए आपको यहाँ पे बताए हैं कि मान लीजिए मेल गैमीट है फीमेल गैमीट है, दोनों आपस में क्या होगा यहाँ पे मिलेगा, तो इस अब दोनों जब मिलेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब इससे पहले जो काम हो रहा है, इससे पहले जो काम हो रहा है उसे प्री फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या है, मेल गैमीट है, ये क्या है फीमेल गैमीट है, दोनों क्या हो रहा है आपस में से मिल रहा है, यहाँ पे जाइगोट बन रहा है, तो इसको बोल देंगे फर्टिलाइजेशन। क्या बोल देंगे इसको, फर्टिलाइजेशन। और यहाँ से यहाँ तक के प्रोसेस क्या बोलते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन। और इसके बाद जो होगा उसे क्या बोल देंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। कोई दिक्कत? देखिए प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या आएगा, तो इसमें सबसे पहले एक प्रोसेस आता है जिसे बोलते हैं गैमिटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, गैमिटोजेनेसिस। अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर, किसके अंदर, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर मेल गैमिट्स का फॉर्मेशन होगा, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर फीमेल गैमिट्स का फॉर्मेशन होगा। तो इसी को बोलते हैं, देखिए क्या होता है सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन में, तो एक प्रोसेस आता है जिसे बोलते हैं हम लोग गैमिटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इसे, गैमिटोजेनेसिस, यानी प्रोसेस ऑफ, इसे क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स इज कॉल्ड गैमिटोजेनेसिस। इसे क्या बोलते हैं, गैमिटोजेनेसिस। अगर एक गैमिटोजेनेसिस मेल के अंदर हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, मेल गैमिटोजेनेसिस। अगर फीमेल के अंदर हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, फीमेल गैमिटोजेनेसिस बोलते हैं। जब गैमिट्स बन जाएगा तो उसके बाद सेकेंड में क्या होता है, गैमिट ट्रांसफर होता है। क्या होता है, गैमिट ट्रांसफर होता है, यानी मेल गैमिट को फीमेल गैमिट के पास क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। कोई दिक्कत? क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। कोई दिक्कत? क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। अब देखिए जब ट्रांसफर हो जाएगा मेल गैमिट्स फीमेल के पास में, दोनों क्या करेगा, मिल जाएगा आपस में। यानी यहाँ पे क्या होगा, इसका गैमिट ट्रांसफर के बाद क्या होता है, फ्यूजन होता है। क्या होता है, फ्यूजन। फ्यूजन को ही क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। जब फ्यूजन जब यहाँ पे हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, आइए यहाँ देखते हैं, यहाँ पे क्या बनेगा, जाइगोट। क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ पे बनेगा जाइगोट बनेगा। एक मिनट यार, क्यों गड़बड़ हो रहा है वो, चलिए क्या बन जाएगा यहाँ पे, जाइगोट। कोई दिक्कत? अब देखिए जब फ्यूजन होगा मेल और फीमेल गैमेट के, तो यहाँ पे बनेगा जाइगोट, और इस जाइगोट के अंदर क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तब क्या बनेगा, यहाँ पे एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से न्यू ऑफस्प्रिंग बन जाएगा। तो अब यहाँ पे फ्यूजन के बाद जो प्रोसेस हो रहा है ना, इस सबको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन, और फ्यूजन के पहले जो प्रोसेस हो रहा है उसे बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। कोई दिक्कत? पोस्ट फर्टिलाइजेशन और प्री फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन। कोई दिक्कत? तो ये क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जितने भी इवेंट्स होते हैं, मेनली इवेंट्स को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में पहले क्या क्या आता है, तो गैमिटोजेनेसिस और गैमिट ट्रांसफर। उसके बाद क्या आता है, फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन। उसके बाद बनता है जाइगोट। जाइगोट के अंदर क्या डेवलपमेंट होगा, सेल डिवाइड करेगा, एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो के अंदर भी और डिवीजन होगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, नए ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी डेवलप हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब बात करते हैं मेल गैमिट्स क्या होता है, स्मॉलर साइज होता है, मोटाइल होता है, और फीमेल गैमिट्स क्या होते हैं, हमेशा लार्जर होते हैं और नॉन मोटाइल्स होते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे बात करते हैं, एक दो टर्म और है इसमें। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल के बारे में। कोई दिक्कत? क्या है, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। यहाँ पे दो टर्म बनता है, एक बनता है यूनिसेक्सुअल। क्या बनता है यहाँ पे, यूनिसेक्सुअल, और सेकंड टर्म बनता है, इसे बोलते हैं बाइसेक्सुअल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, बाइसेक्सुअल। देखिए अब मान के चलिए कोई एक इंडिविजुअल है, क्या है, कोई एक इंडिविजुअल, जैसे मार्कर क्या है, ये एक इंडिविजुअल है। क्या है, मार्कर एक इंडिविजुअल है। चाहे यहाँ पे देखिएगा, आराम से हम बताने जा रहे हैं। क्या है, एक मान लेते हैं, क्या है, एक आदमी है। कोई दिक्कत? ठीक है। अब एक के अंदर मान लेते हैं क्या है, एक ह्यूमन बींग्स है। क्या है, ये एक ह्यूमन बींग्स। अब इस ह्यूमन बींग्स के अंदर ध्यान दीजिएगा, मेल गैमिट्स सॉरी क्या होगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। यानी एक ही आदमी के अंदर, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। यानी दोनों टाइप का ऑर्गन प्रेजेंट है, मेल वाला भी और फीमेल वाला भी। तो इसे बोलते हैं बाइसेक्सुअल। क्या बोलते हैं इसे? बाइसेक्सुअल बोलते हैं। कोई दिक्कत? इस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बाइसेक्सुअल को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट कोई एक ऑर्गेनिज्म है, क्या है? कोई एक ऑर्गेनिज्म है और इसके पास में केवल क्या है, एक ही टाइप का मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप हुआ है। अगर वो मेल है तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप हुआ होगा, अगर वो फीमेल है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप हुआ होगा। कोई दिक्कत? तो इस टाइप के अगर कोई ऑर्गेनिज्म दिखाई देता है तो उसे बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। जैसे इसका एग्जाम्पल ह्यूमन में बहुत अच्छा से दिखाई देता है। देखिए स्पीसीज सेम है, ह्यूमन एक स्पीसीज है, हम लोग क्या है, सब एक ह्यूमन बींग्स है, लेकिन हम सभी ह्यूमन बींग्स में क्या है ना कि अब सेक्सेस क्या हुआ, बटा हुआ है। यहाँ पे यानी हम लोग मेल हैं और क्या होता है, दूसरा क्या होता है, फीमेल होता है। मेल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और फीमेल के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ना ही कि मेल के अंदर फीमेल वाला भी ऑर्गन है और मेल वाला भी ऑर्गन है, या ना ही फीमेल के अंदर मतलब मेल वाला भी है और फीमेल के वाला भी है। अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर दोनों टाइप का ऑर्गन सिस्टम अगर डेवलप हो गया है तो उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल। और दूसरा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर केवल एक ही टाइप का ऑर्गन सिस्टम डेवलप हुआ है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम डेवलप हुआ है, उसे बोलते हैं यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। कोई दिक्कत? इतना बात समझ में आया? अगर इतना समझ में आ गया है आपको तो ये सब क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक बेसिक पॉइंट था। क्या था? एक बेसिक पॉइंट था। तो आइए देखते हैं यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो सबसे पहले एक बात समझिएगा कि इस नेचर में जितने भी प्लांट एग्जिस्ट करते हैं, इस नेचर में जितने भी प्लांट बैठे हैं, जितने भी प्लांट मतलब हैं इस नेचर में, सबको 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, 5 भागों में बांट दिया गया है। सबसे फर्स्ट को बोलते हैं अलगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। कोई दिक्कत? अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो जितने भी प्लांट होते हैं जो फ्लावर शो करते हैं, क्या करते हैं, फ्लावर शो करते हैं, यानी उसके अंदर फूल लगता है, तो वो सब प्लांट क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और एक खास बात एक है कि जितने भी फ्लावर लगते हैं वो एंजियोस्पर्म के अंदर लगते हैं। कहाँ पे लगते हैं? एंजियोस्पर्म। यानी 5 भागों में से केवल एक भाग में क्या होता है, फ्लावर लगता है और वहीं एक ग्रुप क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करता है। तो यही बात यहाँ पे बताए हैं कि ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जितने भी प्लांट होते हैं जो फ्लावर को शो करते हैं उसके अंदर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कोई दिक्कत? अब देखिए फ्लावर क्या है, तो फ्लावर इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी फ्लावर ही वह स्थान है प्लांट के अंदर, पौधा के अंदर फ्लावर ही वह स्थान है जहाँ पे क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्रिया क्या होता है, संपन्न होता है। कोई दिक्कत? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस हो क्या होता है, वहीं पे कंप्लीट होता है। कहाँ पे होता है? फ्लावर के पास में। कोई दिक्कत? तो अब इससे पहले एक बात समझना होगा, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, फ्लावर का स्ट्रक्चर समझना होगा। कोई दिक्कत? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम स्ट्रक्चर बनाए हैं। सबसे पहले आप लोग देखे होंगे कि एक मोटा सा स्टेम होता है और उसी से क्या होता है, फ्लावर अटैच होता है। क्या होता है, फ्लावर अटैच होता है। तब फ्लावर का जो सबसे नीचे से देखते हैं हम लोग, तो फ्लावर का जो सबसे निचला हिस्सा होता है जो थोड़ा क्या होता है, थोड़ा फूला हुआ होता है। कैसा होता है? फूला हुआ होता है, उसको बोलते हैं थैलमस। क्या बोलते हैं? थैलमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? थैलमस। अब देखिए थैलमस के जब ऊपर जाएंगे तो उसका थोड़ा और बड़ा फूला हुआ पार्ट मतलब स्वलन पार्ट दिखाई देता है हमें। कोई दिक्कत? अब जो पार्ट सोलन दिखाई देता है उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, ओवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं। बात समझ में आया? अगली समझ में आया? और ओवरी के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा, एक हरे रंग का मतलब पत्ते के आकार का एक स्ट्रक्चर क्या कहता है, ढक के रखता है। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए फ्लावर है एक और फ्लावर के अंदर यहाँ पे एक फूला हुआ पार्ट है और उसी फूले हुए पार्ट को क्या करता है, बाहर से एक हरे कलर का मतलब ग्रीन कलर का एक स्ट्रक्चर क्या करता है, उसको ढक करके रखता है। तो जो ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर ढक के रखता है इस फूले हुए पार्ट को, उस पार्ट को बोलते हैं सेपल। क्या बोलते हैं उस पार्ट को? सेपल बोलते हैं। कोई दिक्कत? अब इतना बात समझ में आया? तो जो फूला हुआ पार्ट है उसे ओवरी बोलते हैं और उसको जो ढक के रख रहा है उसे सेपल बोल रहे हैं। कोई दिक्कत? और इसके ऊपर कलरफुल बहुत सारा क्या होता है, पार्ट दिखाई देता है। फ्लावर के ऊपर क्या होता है, बहुत कलरफुल मतलब कलर वाला पार्ट दिखाई देता है। उस कलरफुल पार्ट को बोलते हैं पेटल। क्या बोलते हैं? पेटल बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओवरी, सेपल और पेटल, कोई दिक्कत, इसको क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं। अब हो गया ऐसा पार्ट, जो फूला हुआ पार्ट है उसे क्या बोल रहे हैं हम लोग, ओवरी बोल रहे हैं, कोई दिक्कत। उसके नीचे जो हल्का सा फूला पार्ट है उसे क्या बोलते हैं, थैलमस बोलते हैं। उसके ऊपर को ओवरी बोलते हैं। और उसके चारों तरफ क्या होता है, मतलब एक हरे कलर का स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, उसको ढक के रखता है, उसे क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। और फ्लावर के ऊपर बहुत सारा कलरफुल पार्ट लगा रहता है, बहुत सारा क्या होता है यहाँ पे कलरफुल पार्ट लगा है ना, ऐसे होल बनाता है, चक्र बनाता है कलरफुल पार्ट, इसे बोलते हैं पेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, पेटल बोलते हैं। अब जब उसके अंदर जब देखेंगे, ऐसे झांक करके जब अंदर देखेंगे, फ्लावर के अंदर जब देखेंगे, ठीक है, तो हमको एक क्या होता है ना, ये बहुत सारे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। उसमें क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जो कि एकदम बहुत पतला पतला होता है, एकदम धागे के समान पतला होता है, ठीक है। अब बहुत सारा होता है इसमें, तो जो साइड साइड में जो धागे के जैसे जो स्ट्रक्चर होगा ना, धागे के समान जो स्ट्रक्चर जो साइड साइड में होगा, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्टामेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, स्टामेन। यहाँ पे देखिएगा क्या बोलते हैं, यहाँ पे साइड साइड में दिखाई दे रहा है आपको बहुत सारा, इसको स्टामेन बोलते हैं। और एक बीच में आपको पार्ट दिखाई दे रहा होगा, मोटा वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, जो ओवरी से क्या डायरेक्ट कनेक्ट है, तो इसको जानते हैं क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्पेल। क्या बोलते हैं इसे, कार्पेल बोलते हैं, कोई दिक्कत। अब इसको सबसे फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं स्टिग्मा, मतलब इस यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के पार्ट को बोलते हैं कार्पेल बोलते हैं। और इसके जो सब कार्पेल का जो फर्स्ट पार्ट होता है उसे बोलते हैं स्टिग्मा, जो कि क्या होता है, एक छत के जैसा होता है, ऐसे मतलब सरफेस एरिया बढ़ाए हुए मतलब रहता है। फिर उसके बाद एक ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है स्टिग्मा के नीचे, इसको बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं, स्टाइल। और यही स्टाइल आकर के फूले हुए पार्ट में क्या होता है, ओपन होता है, जिसे ओवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। तो अगर बात करें यहाँ पे, तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी तीनों क्या है, एक ही है, तीनों को मिला क्या बोलते हैं यहाँ पे, कार्पेल बोलते हैं। यानी कार्पेल के तीन पार्ट होते हैं, सबसे नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं ओवरी, उसके बाद में बीच में सिलेंड्रिक, ऐसे देखिए ना, ऐसे होता है, ऐसे यहाँ पे देखिएगा, ऐसे 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 स्ट्रक्चर बनता है, तो इसको बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं इसे, स्टिग्मा बोलते हैं। बीच वाले पार्ट को बोलते हैं स्टाइल, और जो नीचे फुला पार्ट है ना उसे बोलते हैं ओवरी। और इसी ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है। क्या होता है, ओव्यूल। अभी केवल आप लोग नाम ध्यान रखते रहिए, नाम, ठीक है, आगे सब समझ में आएगा। तो चलिए एक बार और इसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले थैलमस है, क्या है, थैलमस है। उसके बाद इसके ऊपर एक हरे कलर का स्ट्रक्चर लगा रहता है, इसे सेपल बोलते हैं। और फ्लावर के ऊपर एक कलरफुल पार्ट होता है, इसे पेटल बोलते हैं, कोई दिक्कत। उसके बाद इसके चारों दोनों तरफ क्या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बहुत सारा दिखाई देता है, जिसे क्या बोलते हैं, स्टामेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, स्टामेन बोलते हैं। और जो बीच वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं कार्पेल बोलते हैं। कार्पेल तीन चीज से मिलकर बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब देखिए जो स्टामेन होता है ना, मेनली स्टामेन ऐसे होता है, ध्यान दीजिएगा, मेनली स्टामेन ऐसा ही होता है। तो अब ये जो ऊपर जो फूला हुआ पार्ट होता है इसे बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं इसे, एंथर बोलते हैं। और नीचे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। तो आप दो चीज संभालिएगा यहाँ पे, एक सेपल को, दूसरा पेटल को, कोई दिक्कत। सेपल पेटल संभाल लिए हैं अगर आप लोग तो ध्यान दीजिएगा। उसके बाद स्टामेन और कार्पेल पे। तो स्टामेन दो चीज से बनाता है, इसका दो कंपोनेंट होता है, एक को बोलते हैं एंथर, दूसरे को बोलते हैं फिलामेंट। और कार्पेल का तीन कंपोनेंट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी बोलते हैं, कोई दिक्कत। इतना बात समझ में आया, आखिर समझ में आ रहा है, आगे बढ़े। चलिए अब इसके एक एक पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। देखिए इसको हम मिटा रहे हैं, फ्लावर रहेगा, बट फ्लावर के कंपोनेंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मिटा दे रहे हैं, कोई दिक्कत। अरे भाई समझ में आ हो रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा बताइएगा हमको जल्दी से, कोई दिक्कत बताइएगा जरूर। और अच्छा लग रहा हो तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे हम क्या मिले, मोटिवेशन मिले कि हम आगे और भी ऐसा वीडियो आपके लिए बनाते रहें, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं हम सेपल की। किसकी बात कर रहे हैं हम, सेपल की बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए सेपल की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो क्या है, अब इसके एक पार्ट को तो सेपल बोल रहे हैं, लेकिन फ्लावर के अंदर एक को सेपल बोल रहे हैं, लेकिन सेपल तो एक नहीं होता है ना, सेपल एक नहीं होता है, ऐसे सेपल बहुत सारा होता है। क्या होता है? बहुत सारा सेपल होता है। तो बहुत सारे जहाँ सेपल होगा ना उसे बोलते हैं कैलिक्स बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं। बात समझ में आया? अभी समझ में आया? देखिए अब ऐसे बोल सकते हैं कि कैलिक्स के अंदर बहुत सारा क्या होता है? सेपल इंक्लूडेड होता है, ऐसे बोल सकते हैं। एक कैलिक्स क्या होता है? बहुत सारे सेपल से मिलकर क्या होता है? बना होता है। एक सेपल क्या होता है? बहुत सारे मतलब सॉरी एक कैलिक्स बहुत सारे सेपल से मिलके बना होता है। कोई दिक्कत? अब देखिए अब यहाँ पे ए भी सेपल है, ए भी सेपल है, तो दोनों को मिला करके अगर कोई एक टर्म देना होगा तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? कैलिक्स बोल देंगे। क्या बोलेंगे? इसे कैलिक्स बोल देंगे। यानी होल्स ऑफ सेपल, यानी होल्स ऑफ सेपल, सेपल के चक्र को क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कैसे होता है सेपल, कैसे होता है? तो यहाँ पे देखेंगे ग्रीन कलर का होता है। कैसे होता है? ग्रीन कलर का होता है। और ये कैसे होता है? लीफ लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है। कैसे होता है? लीफ लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है। किसका स्ट्रक्चर होता है? सेपल का। और बहुत सारे जब सेपल आपस में मिलेगा तो क्या बना देगा? कैलिक्स बनाएगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए आगे बात करते हैं। कैलिक्स के बाद कोरोला होता है। क्या होता है? कोरोला। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसके एक पंखुड़ी को क्या बोलते हैं? पेटल बोलते हैं। मतलब फ्लावर देख रहे हैं ना, जो कलरफुल पार्ट होता है उसको अलग अलग करके देखिएगा, उसमें बहुत सारा क्या होगा आपको दिखाई देगा पार्ट, ठीक है? तो अब उसमें से एक पार्ट को बोलते हैं पेटल। क्या बोलते हैं? पेटल बोलते हैं। और पूरे पेटल को मिला के अगर कोई एक टर्म देना होगा तो क्या बोलेंगे? कोरोला बोलेंगे। यानी कोरोला के एक कंपोनेंट की अगर बात करें तो उसे क्या बोल देंगे हम लोग? पेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेटल। यानी बहुत सारा जब पेटल आपस में मिलेगा तो किसको बना देगा? कोरोला को बनाएगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब देखिए पेटल की अगर बात करें तो कैसे होता है? कलरफुल होता है। कैसे होता है? कलर्ड पार्ट होता है। कोई दिक्कत? कैसे होता है? कलर्ड पार्ट होता है। सेकेंड बात अगर आगे बात करें इसके बारे में तो यही क्या करता है? ये जो कलरफुल पार्ट होता है क्या करता है? इंसेक्ट को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? इंसेक्ट को क्या करेगा? ये अट्रैक्ट करेगा। किसके लिए? तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? पोलिनेशन। क्या होता है इसका मेन उद्देश्य? पोलिनेशन होता है। कोई दिक्कत? तो पोलिनेशन के लिए क्या करता है? इंसेक्ट को क्या करता है? मतलब अट्रैक्ट करते रहता है। आगे बढ़े। सेकेंड बात ये क्या होता है? ये बहुत बड़ा लार्ज भी होता है, मतलब इसका साइज बहुत बड़ा बड़ा होता है। चलिए आगे देखते हैं। यानी एंड्रोसियम क्या है? एंड्रोसियम क्या है? तो देखिएगा यहाँ पे बहुत सारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो बना है ना, थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर बना है इसे क्या बोलते हैं हम लोग? स्टामेन बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं? स्टामेन। तो इसके एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोल रहे हैं स्टामेन। लेकिन यहाँ पे बहुत सारा स्टामेन दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारा जब स्टामेन को जब एक साथ में मिलाकर अगर कोई एक टर्म देना होगा तो उसे क्या बोलेंगे? एंड्रोसियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? एंड्रोसियम। यानी एक एंड्रोसियम के अंदर बहुत तरह क्या होता है? स्टामेन होता है। बहुत तरह क्या होता है? स्टामेन होता है। बात समझ में आया? अब इसी स्टामेन को हम लोग बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या बोलते हैं? प्लांट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? क्योंकि इसी के अंदर क्या होता है? मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन। और उस मेल गैमेट्स का क्या नाम है? पोलन ग्रेन नाम है। कोई दिक्कत? अब देखिएगा स्टामेन की अगर बात करें तो कुछ इस प्रकार से स्टामेन होता है, कुछ इस प्रकार से स्टामेन होता है, जिसके ऊपर वाले पार्ट क्या होता है? फूला होता है। इसे बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं इसे? हम लोग एंथर बोलते हैं। सेकेंड वाले पार्ट को बोलते हैं हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। तो अगर बात करें यहाँ पे स्टामेन की तो स्टामेन के मेनली दो पार्ट होते हैं। एक को बोलते हैं एंथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंथर। सेकेंड वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। और यही फिलामेंट क्या होता है? यह बेसल पार्ट से क्या होता है? अटैच होता है। यानी इससे क्या होता है? अटैच होता है। अब देखिए एंथर की अगर बात करें तो एंथर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बाइलोब होता है। कैसे होता है एंथर? बाइलोब होता है। मतलब एंथर दो लोब से बना होता है, एक लोब और दूसरा लोब, और यहाँ बीच से निकलेगा स्ट्रक्चर फिलामेंट। ठीक है, तो एक और दो, इस दोनों को मिला क्या बोलते हैं? बाई लोब्ड बोलते हैं। कोई दिक्कत पर समझ में आ रहा है। अच्छा, ये एंथर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? द प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ फिलामेंट। फिलामेंट के एकदम ऊपरी हिस्सा पे होता है, ऊपर वाले पार्ट पे होता है, आखिर नहीं होता है? अरे बताइए ना, होता है कि नहीं जी? चलिए, क्या होता है? टिप पे। फिलामेंट क्या होता है? टिप पे प्रेजेंट होता है। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब जो पाइलोट स्ट्रक्चर है ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो बनाए हैं इसी एंथर के अंदर, इसी एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? पोलन सैक। इसको मिटा देते हैं पहले हम, ध्यान दीजिएगा, इधर नहीं दीजिएगा ना तो गड़बड़ा जाएगा, समझे? मेरा बतिया समझ में आ रहा है कि नहीं जी आपको? अरे बोलिए ना, कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, तो इसी के बारे में हम समझ रहे हैं। ये क्या है? एंथर वाला पार्ट है। क्या है? एंथर हमेशा कैसे होता है? बाइलोब होता है। कैसे होता है एंथर? हमेशा बाइलोब होता है। और इसी के अंदर क्या दिखाई देता है, पता है आपको? आगे नहीं पता है। इसी के अंदर होता है पोलन सैक। क्या होता है? पोलन सैक होता है। कोई दिक्कत? क्या होता है? पोलन सैक। और इसी पोलन सैक के अंदर क्या होता है? पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन, जो कि क्या है? पोलन ग्रेन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव, सॉरी, मेल गैमेट्स है। क्या है? पोलन ग्रेन मेल गैमेट्स है। प्लांट का मेल गैमेट्स क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन बोलते हैं। कोई दिक्कत? आगे बढ़े? आगे नहीं बढ़े? बोलिए जल्दी, बढ़े कि नहीं बढ़े? इसी पोलन से एक और नाम देना होगा तो क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। और इसको माइक्रोस्पोर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? माइक्रोस्पोर। तो चलिए ध्यान देते हैं यहाँ पे गाइनोसियम की तरफ। देखिए, गाइनोसियम क्या है ना, कि प्लांट के अंदर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या बोलते हैं? गाइनोसियम। अब इसके एक यूनिट को, मान लीजिए किसी किसी प्लांट में तो गाइनोसियम एक ही होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिसके अंदर क्या होता है? गाइनोसियम एक से अधिक होता है। तो एक से अधिक जहाँ गाइनोसियम होगा वहां तो देखना पड़ेगा कि इसके एक यूनिट को क्या बोलते हैं? कार्पेल। यानी बहुत सारे जब कार्पेल आपस में मिलेगा, यानी एक कार्पेल, दो, तीन, चार, पाँच, 10, ऐसे कार्पेल जब समूह में मिलेगा तो उसको अगर बोलना होगा तो क्या बोलेंगे उसे? गाइनोसियम, या इसे प्लांट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हम लोग बोलते हैं। चलिए, ये कहाँ होता है? प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ फ्लावर। यानी फ्लावर का देखिएगा यहाँ पे क्या है? फ्लावर के एकदम बीचों बीच में प्रेजेंट होता है। क्या होता है? फ्लावर के एकदम बीचों बीच में प्रेजेंट होता है। कोई दिक्कत? अब देखिएगा, ईच कार्पेल, यानी हर एक कार्पेल के क्या होते हैं? तीन कंपोनेंट होते हैं, या तीन पार्ट होते हैं। एक कार्पेल के तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहले को बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा बोलते हैं। सेकेंड वाले को बोलते हैं स्टाइल। और सबसे जो लास्ट वाले होते हैं उसे बोलते हैं ओवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। देखिए, अब इस वाले पार्ट को स्टिग्मा बोलते हैं। और इसी स्टिग्मा के ऊपर मान लीजिए यहाँ पे पोलन ग्रेन, बहुत सारा क्या है यहाँ पे? पोलन ग्रेन है। अब ये पोलन ग्रेन उड़ते 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 क्या होगा? इसके ऊपर आकर के गिर जाएगा। यानी इसी स्टिग्मा के ऊपर क्या करता है? लैंड करता है। इसी स्टिग्मा के ऊपर क्या होता है? तो यहाँ पे लिख देंगे पोलन ग्रेन लैंड। या पोलन ग्रेन स्टिग्मा क्या करता है? पोलन ग्रेन क्या करता है? रिसीव करता है। इसे भी बोल सकते हैं कि स्टिग्मा रिसीव द पोलन ग्रेन, या पोलन ग्रेन। कोई दिक्कत? या पोलन ग्रेन लैंड ऑन द स्टिग्मा, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। अब जब यहाँ पे लैंड कर जाएगा तो अब क्या करेगा? ये इसको कैरी करेगा। यानी स्टिग्मा से ओवरी तक यहाँ पे फीमेल गैमिट है, तो अब यहाँ से स्टिग्मा से कहाँ तक? ओवरी तक। कौन कैरी करके लाएगा पोलन ग्रेन को? तो स्टाइल। तो इट कैरी द पोलन ग्रेन फ्रॉम स्टिग्मा टू द ओवरी। कोई दिक्कत? बात समझ में आए? अगली समझ में आए? अब सबसे जो निचले स्तर का जो होते हैं, क्या होते हैं? जो सबसे निचले स्तर का होते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत? ये क्या होता है? जो बेसल पार्ट होता है, क्या होता है? इसे बोलते हैं निचले स्तर के, मतलब इसे बेसल पार्ट बोल सकते हैं। सबसे आधारभूत, मतलब बेसल पार्ट। ये क्या होता है? हमेशा स्वेलन होता है, मतलब हमेशा क्या होता है? फूला हुआ रहता है। कैसे रहता है? फूला हुआ। और इसी ओवरी के अंदर, इसी ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल होता है। क्या होता है? ओव्यूल होता है। क्या होता है? इसी ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल होता है। और ओव्यूल के अंदर क्या दिखाई देगा? एम्ब्रियो सैक दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? इसी के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो सैक होता है। क्या होता है? एम्ब्रियो सैक। और इस एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होता है? ओवम या एग सेल होता है। इसी को बोलते हैं फीमेल गैमिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? फीमेल गैमिट्स बोलते हैं। बात समझ में आया? अभी समझ में आया। तो एक्चुअल में इसी ओवम से, अब देखिए यहाँ पे ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक है, और इस एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या है? यहाँ पे बीच में क्या है? ओवम प्रेजेंट है। अब यहाँ से जब पोलन ग्रेन लैंड करेगा तो कहाँ आएगा? घूम के इसके पास में आएगा और जनरली जा क्या करता है, मतलब इस एम्ब्रियो सैक के अंदर जाकर के ओवम से क्या होता है? फर्टिलाइज करता है। तो यहीं पे क्या होता है? फ्यूजन होता है। प्लांट मतलब प्लांट के अंदर मेल और फीमेल का क्या होता है? यहाँ पे फ्यूजन होता है। तो आपको स्टाइल भी समझ में आया, स्टिग्मा भी समझ में आया और ओवरी भी समझ में आया। कोई दिक्कत? तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग, मतलब नेक्स्ट सेशन नहीं बोल सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्या कि पोलिनेशन कैसे होता है। यहाँ पे मतलब फ्लावर के हर एक पार्ट के बारे में हमने देख लिया। कोई दिक्कत? अब इसके बाद क्या करेंगे? पोलिनेशन कराएंगे, यानी पोलन ग्रेन क्या होगा? एंथर से निकलेगा और स्टिग्मा पे आके लैंड कर जाएगा। जब लैंड करेगा तो कैसे इसमें आएगा, मतलब कैसे इससे कैरी होगा, उसका क्या क्या प्रोसेस होता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। मतलब जो भी इसका पार्ट है आगे हम लोग ध्यान में रख के देखेंगे।